जमीन और अवैध खनन मामले में जांच एजेंसी आज पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार रहे अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है और इसके बाद 19 मार्च को हटिया डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा, 20 मार्च को प्रीति कुमार से पूछताछ होगी। होली के बाद 4 अप्रैल को कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद और 5 अप्रैल को उनके भाई अंकित साहब से भी पूछताछ होगी। बता दें कि 3 जनवरी को अभिषेक प्रसाद के रांची स्थित आवास पर छापेमारी की गई थी और इस दौरान ईडी ने कई डिजिटल डिवाइस और अहम दस्तावेज जब्त किए थे। छापेमारी के बाद 16 जनवरी को अभिषेक को पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया था लेकिन वो नहीं गए थे। और सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, जमीन और अवैध खनन के मामले में पूर्व सीएम के सलाहकार से पूछताछ होनी है, ईडी दफ्तर बुलाया गया है अभिषेक को, क्या पूरी जानकारी इस खबर पर? यदि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार की बात करें तो ईडी ने दूसरा सम्मन जारी किया है और अभिषेक प्रसाद और पिंटू को पूछताछ के लिए आज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। हालांकि यदि ईडी की पूछताछ की बात करें तो लोकसभा चुनाव की घोषणा के साथ झारखंड में कह सकते हैं ईडी की जो कार्रवाई हो रही है उसने सियासत झारखंड की जो है तेज कर दी है और इसी के तहत यदि आज की बात की जाए तो देखना होगा कि क्या अभिषेक प्रसाद पिंटू आज ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय में पूछताछ के लिए हाजिर होते हैं या नहीं। इससे पहले भी एक बार 16 जनवरी को ईडी ने सम्मन जारी किया था अभिषेक प्रसाद पिंटू को, जो पहला सम्मन था। हालांकि उस दिन अभिषेक प्रसाद पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर नहीं पहुंचे थे और यह पूरा मामला जमीन और जो अवैध खनन से जुड़ा हुआ है और उसी के आधार पर पिंटू के जो विभिन्न ठिकाने थे वहां पे 3 जनवरी को ईडी ने छापेमारी की थी और उस दिन की यदि बात करें तो घंटों ईडी के जो अधिकारी थे पिंटू श्रीवास्तव प्रसाद के घर में छापेमारी के दौरान उनके घर में मौजूद थे और कई ऐसे अहम दस्तावेज को अपने साथ बाद में लेते चले गए थे और कहीं ना कहीं उसमें कई तरह की जो चीजें हैं वह सामने आई है। यही वजह है कि एक बार फिर से पिंटू यानी अभिषेक प्रसाद को ईडी ने सम्मन किया है और देखना होगा कि क्या आज दूसरी सम्मन के बाद ईडी कार्यालय अभिषेक प्रसाद पिंटू पूछताछ के लिए पहुंचते या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।